दोस्तों, अगर नेचुरल तरीके से अपने सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आज आप लोगों के लिए दोस्तों। और इस रेमेडी को प्रिपेयर करके आप अपने नेचुरल तरीके से बालों को, सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। अगर आप कम उम्र के हैं तभी आप इसका यूज़ करिएगा, या फिर बड़ी उम्र के हैं जैसे 70 या 75 साल के हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो भी इस रेमेडी को यूज़ करिए फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा और अमेजिंग सा आपको ये रिज़ल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे एक लोहे का पैन लेना है। आप कोई भी आयरन पैन ले लीजिए, उसके अंदर आपको लेना है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है, और हल्दी हमारे स्कैल्प को ट्रीट करती है, रीजनरेशन का काम करती है, हमारे बालों को आने से बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करती है, हमारे नए बाल आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरह से आपको हल्दी लेना है। मैं यहाँ पर कस्तूरी हल्दी का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, जो किचन की हल्दी होती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से 1 से 2 बड़े चम्मच आपको हल्दी ले लेना है दोस्तों, और इसे आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये इसका एक चारकोल ना बन जाए। जैसे ही ये चारकोल में टर्न हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको इसका यूज़ करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप हल्दी का यूज़ करके अपने बालों को काला बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे रोस्ट करने के लिए रख दिया है दोस्तों। नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होते हैं, और साथ ही साथ बालों में जो एक ग्रोथ होती है, बालों की जो लश्शर होती है उसे ये प्रोवाइड करता है। जितने भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है वो लगने से हमें बचाती है हल्दी। तो हल्दी का यूज़ आप ज़रूर करिएगा, और इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। और बाल अगर टूटते हैं बीच से किसी भी कारण से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व कर देता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमारा जो चारकोल है हमें इस तरह से मिल गया है दोस्तों। जैसे ये ठंडा हो जाए फिर आप इसका यूज़ करिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेट आती है स्कैल्प में, तो ये उस स्वेट को भी रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल होते हैं जैसे जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये जल्दी से सफ़ेद होने से भी बचाता है, आपके सफ़ेद बालों को आने से बचाता है दोस्तों। उसी के साथ में आपको यहाँ पर लेना है दालचीनी। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। जब हल्दी और दालचीनी का आप इस तरह से यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही अमेजिंगली आपके बालों पे वर्क करते हैं। उसी के साथ में हम यहाँ पर लेंगे भृंगराज पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बालों का डॉक्टर कहते हैं, बालों का राजा कहते हैं भृंगराज, जो कि हमारे काले बाल, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, काले बालों को आने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करता है ये। तो आपको यहाँ पर भृंगराज लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको ले करके पाउडर बना करके रेडी कर लेना है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको प्रिपेयर करने के लिए आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो रेमेडी है इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन आप अपने बालों पे करिए, आप इसे लगाइए कम से कम 1 घंटे के लिए, और बालों पे इसे लगा करके छोड़ने के बाद बालों को आप शैम्पू भी कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ दोस्तों, कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए।